आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में आज जो हमारा बचा हुआ काम था उसको हम लोग करने वाले हैं। और फिर से मेरे साथ ग्लिच हो चुका है, मेरी जो बोट है वो गायब हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे पिछला वीडियो तो क्या बोलते हैं विलेज में ख़त्म हुई थी, अचानक से हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। तो हुआ ये कि मैं अभी अपने सब चीज़ बता होता कि उसके बाद आगे बढ़ रहा था, मतलब अपने सफ़र पर आगे निकल गया था, घर पहुँच रहा था। जो हमारा क्या बोलते हैं मेरे मेन आज का वो था कि मैं जो है वो बनाऊंगा एक ट्रेडिंग हॉल, और बाकी का जो विलेजर्स हैं उनको लाने वाने का काम हम लोग अगली वीडियो में कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैं बोल रहा था, उतने में अचानक से रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो गई। मैं घर जा रहा था तब तक हम लोग, आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने कैसे वहाँ पर पहुँच गया, और मैं बच भी गया। क्रीपर आके मेरे पास में फट गया लेकिन मैं बच गया, गॉड सेव्स। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस अपने घर, फटाफट से घर की तरफ बढ़ते हैं। और सामने एक और ही आ गया है। ओके लोड क्यों नहीं हो रहा है? ओके मतलब यहाँ पर डेड एंड है। ये देखो ये फिर से ग्लिच हो गया, और अभी मैं ये ग्लिच की जो बात कर रहा हूँ ये देखो आप लोगों ने जैसे देखा ना, ये ग्लिच हो गया। ये चीज़ फिर बाद में जब मैं वापस रिटर्न आऊँगा ना, वापस इधर ही जाऊँगा तो बोट मेरे को यहाँ पड़ी मिलेगी। ये दिक्कत हो गया था, मतलब ग्लिच होता रहता है, कोई बात नहीं चलता है। और मैंने अपनी स्किन भी लगा ली NTT 303 की, आपको एक बार दिखा दूं मैं, आप लोग देख सकते हैं ये रहा NTT 303 की स्किन। तो हम फटाफट से अपने घर को पहुंच के मैं आप लोगों से मिलता हूँ। मेन मेरा आज का मकसद ये था कि मैं जो एक ट्रेडिंग हॉल बनाऊँ, साथ में अंडरग्राउंड ट्रेडिंग हॉल, साथ में एक जो है मेरे को ये भी बनाना है, क्या बोलते हैं पूरा एक रेल का मैं वो लेके आऊँगा, एक पूरी पटरी, ताकि जो हमारे विलेजर्स हैं मैं उनको ले आ सकूँ घर, रिटर्न बैक अपने घर में ला सकूँ मैं उन लोग को। क्योंकि तो अभी भी आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो आर्मर है वो फुल्ली मैक्सड आउट नहीं है, तो उसको फुल्ली मैक्सड आउट करने के लिए हम लोग को विलेजर्स की ज़रूरत है। यार इतना ग्लिच क्यों हो रहा है? चलो ठीक है गाइस, मैं फटाफट से घर में पहुँच के मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस हम लोग फाइनली अपने घर वापस रिटर्न आ चुके हैं, रिटर्न बैक टू होम। फटाफट से मैं जाने वाला हूँ बनाने वाले हूँ ब्रूइंग स्टैंड, और मेरे को कुछ पोशंस भी बनाने हैं। पोशंस के लिए शायद से मेरे पास पड़ा था वो क्या बोलते हैं अपना ये बॉटल्स, मेरे को देखना पड़ेगा। ग्लास तो शायद से मेरे पास पड़ा था, मेरे को अच्छे से याद नहीं। गेम लैग हो रहा है भाई, बहुत गंदा वाला। ओके मेरे पास नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से कुछ जो है एक आयरन की पिकैक्स लेंगे, और मेरे को थोड़े से और चलते वो चाहिए थे आयरन की पिक, आयरन क्योंकि मेरे को क्या बोलते हैं वो भी करना है माइनिंग। अरे यार आयरन बचा यार, कोई बात नहीं। हम लोग फटाफट से, अब हमारे पास ब्लेज रोड मैंने ऊपर रखी थी, बंद हो जा। अरे यार इतना लैग। और जो ये स्किन मैंने डाउनलोड करी ये भी एड ऑन ऐप से ही है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। तो 4 ब्लेज लोड हम लोगों ने पिछली बार लाए थे, हम लोग और लाने वाले थे लेकिन नहीं लाए, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम जो इससे बनाने वाले हैं बस, और अभी हम लोग को बनाना है एक जो है कहाँ गया ब्रूइंग स्टैंड कैसे बनता है कोबल स्टोन। अरे यार बहुत आसान है, यहाँ से अपन खोलेंगे सीधा, और थोड़ा सा पीछे ये, और यहाँ से अपने पास, एक सेकेंड डोंट टेल मी कि अपने पास कॉबल स्टोन नहीं है। क्या भाई मेरे पास कॉबल स्टोन नहीं है, घर कॉबल स्टोन का बना, कॉबल स्टोन नहीं है। अब 2 मिनट देना मैं कॉबल स्टोन तोड़ के लाऊं, दिमाग खराब हो गया। अबे तो गाइस मैं लेके आ गया हूँ ब्रूइंग स्टैंड फटाफट से, कॉबल स्टोन, दिमाग खराब हो गया भाई। कॉबल स्टोन जैसी छोटी चीज नहीं है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ओके अब हम लोग यहाँ पर बनाना, अभी मेरे को थोड़ा सैंड भी चाहिए, रात भी हो रही है। पहले एक काम करते हैं सो जाते हैं, फिर अगले दिन हम लोग फटाफट से जाने वाले हैं, उस सैंड को जमा करके ला के उसको स्मेल्ट करके अपन लोग जो है ग्लास बॉटल बना के फटाफट से अपना काम आगे बढ़ाएंगे। क्या यार छोटी छोटी चीज़ें रखाऊँ पे मैं डैमेज ले रहा हूँ। गाइस मेरे को 2 मिनट देना, मैं फटाफट से ग्लास बॉटल बना के मिलता हूँ। सो गाइस मैंने अपना सैंड भी जमा कर लिया, और साथ ही साथ हमारे शुगर केन भी फुल बड़े हो गए हैं। हमारे जो क्या बोलते हैं वो वाला वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि मैं अपना आर्मर फुल करना चाहूँगा,
उसी वाले वीडियो के में मैंने पूरे इसको लगाया था, तो अभी मैं हम लोग इसको फटाफट से तोड़ लेंगे और फिर जाके जो है हम लोग बनाने वाले हैं कुछ पेपर और उससे बुक शेल्फ लगा दें वहाँ जाके। और फिर मैं अपने सारी चीज़ों को डिसएन्चेंट करके फिर इसे एन्चेंट करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को मैं नहीं जानता मैं फुल्ली मैक्स आउट मेरे को एक वो चाहिए ही कोई भी हालत में। हम फटाफट से दौड़ के जाएंगे अपने घर तक और फटाफट से काम अपने स्टार्ट करेंगे। ओके तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए घर। एक सेकंड मैं घर क्यों जा रहा हूँ, मेरे पास वुड तो है ना, हाँ वुड है लेकिन कम है, कोई बात नहीं क्राफ्टिंग के बजाय सीधा देना। ये करेंगे और जो है बहुत सारे अपन बनाने वाले हैं ये यहाँ से हमारे चार बुक शेल्फ बन जाएंगे फटाफट से। और पेपर चाहिए हम लोग को फटाफट से। मेरे पास वुड ख़त्म हो गई ना, वुड भी लाना पड़ेगा मेरे को। ओके तो हमारे सारे पेपर बन गए, मैं फटाफट से वुड कलेक्ट करके लाऊं। ओके गाइस तो मैंने फाइनली बना लिया है और अभी हमें इसको यहाँ से रख के ये और एक और यहाँ और ये गाइस हमारा फुल्ली मैक्स जो है एन्चेंटमेंट वाला है ये। अगर मैं अभी यहाँ हुए को डालूँ तो देख सकते हैं आप लोग 30 दे रहा है ये 30 जो है 30 लेवल एन्चेंटमेंट इसको लगेगे, मतलब मेरे को एक्सपी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपी का हम लोग बाद में देखेंगे, शायद ही हम लोग अभी एन्चेंट करें इससे। तो अभी हम फटाफट से जो काम में हम लोग करने वाले थे वो हम लोग काम को कर लेते हैं। हमारा ये भी फुल्ली मैक्ड आउट हो गया, मैं ग्लास बॉटल बना कर रहा हूँ उसको मैं फटाफट से, मतलब सैंड को पिघला के मिलता हूँ आप लोगों से 2 सेकंड के अंदर। तो गाइस हमारा जितना भी काम था वो हो चुका है, ये हमारे आ चुके 17 के 17 ग्लास और इसका हम लोग फटाफट से बना लेंगे वो 18 बनेंगे। तो हमारे 18 बन चुके हैं गाइस, तो ये हमारा काम हो चुका है। तो ये कुछ गन पाउडर है क्या मेरे पास, एक एप्पल तो चाहिए, एक नहीं 3 चाहिए। तो फटाफट से पहले मेरे को चाहिए एक स्पाइडर आई, एक ब्राउन मशरूम, अरे यार मैं अपना सारा शुगर नहीं, एक शुगर केन है वो बच गया, एक शुगर केन मेरे को चाहिए। ओके यहाँ से कहाँ गया रेड स्टोन और मेरे को थोड़ा सा गन पाउडर। ओके मेरे पास सारा सामान है कि हम लोग बना सके अपना एक फटाफट से। तो हम लोग फटाफट से चलते हैं ऊपर और फिर से रात होने आ गई यार, दिमाग का दही हो जाता है, चढ़ ले भाई। तो हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमको फटाफट से मैं काम डालो अपना पानी ले लिया है तो यहाँ से फटाफट से जितने भी हमारे पास ये है इसको फटाफट से डालूँगा मैं। अरे यार कितने सारे हैं, 18 कर हैं। ओके हमको 3 की ज़रूरत है तो ये हमारे 3 आ चुके हैं। फटाफट से हम ये करेंगे, 3 को डालेंगे, चल दे एक यहाँ चल दे। ओके हमारा ये जा चुका है, फटाफट से यहाँ डाल देंगे उसके बाद फिर हम बस सो जाएंगे फटाफट से। ओके तुम सो क्यों उठ चुके हैं यार, इसमें क्यों उठते तू, और ये हमारा होने ही वाला है बस जस्ट। इसके बाद फिर हमको रेड स्टोन डालना है और उसके बाद फिर हमको गन पाउडर डालना है। तो ये हमारा हो चुका है, देख लेते हैं ये को बढ़ाने के लिए। ये मेरे को माइनिंग पे भी अभी जाना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए, तो जल्दी जल्दी होता। ओके तो ये जस्ट हो ही गया, हम फटाफट से गन पाउडर लेंगे हाथ में और ये गन फिर 4 मिनट का यस। तो हमको बस गन पाउडर डालना है, हमारा स्प्लैश पोशन रेडी है, हम फटाफट से चलने वाले हैं माइनिंग पे। मैं 2 मिनट देने में और 5 घंटे ऑलमोस्ट 5 घंटे हो ही गए मेरे को माइनिंग करते, ज़मीन के अंदर जाके माइनिंग करता हूँ मैं। और 5 घंटों के बाद जाके मैं अपने यहाँ से बाहर निकला और अपने घर के पास ही हूँ और आप लोग देख सकते हैं
52 गोल्ड, 11 आयरन और इतनी अच्छी किस्मत पहली बार मेरे साथ हुई कि दो मेरे को गोल्ड की रिबन मिली, उसके साथ में ही डायमंड की दो रिबन मिल गई मेरे को, और साथ में थोड़ा सा लैपिस की लजुली भी मिली थी मेरे को, तो वो भी लेके आ गया हूँ मैं। भाई यार 5 घंटे होने वाले थे तब जाके मेरे को, ठीक है अब फटाफट से मेरे को जाके सबको स्मेल्ट में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे डायमंड सब नीचे रखा है, तो यहाँ से क्यों जाना, यहीं से कूदो डायरेक्ट। तो फिर हम फटाफट से यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने जो है स्मेल्ट में लगा देंगे, और मैं जो अपने साथ एक फर्नेस और थोड़ा सा कोल ले गया था ताकि बीच में मतलब अपनी नेदरराइट की ये ना यूज़ करूँ, और मैं ना पूरा एक ही मिनट, वाह ना थोड़ा सा मेरे को कोल भी इधर देना और इस वाले में थोड़ा सा और कोल चाहिए, बस बहुत बढ़िया, यहाँ जाएगा और यहाँ ये लग जाएगा। तो ठीक है ऑलमोस्ट सब चीज़ काम करने के बाद अब मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे डायमंड्स ये रहे मेरे डायमंड्स, और ज़्यादा डायमंड्स हो गए अपने पास, और हमारे एनचेंटिंग के लिए लैपिस की लजूली भी लेकर आ गई हूँ मैं, और मेरे सारे ब्लॉक्स वॉक्स कहाँ रहते हैं इस वाले में रहते हैं ना, मैं फटाफट से रख दूँ। जब जब माइनिंग पे जाता हूँ ना तब तक मेरे पास ग्रेवल रहना, तो हर टाइम का ना मतलब मेरा ज़रूरी मेरा एक धंधा हो गया, हर बार मेरे पास ग्रेवल रहेगी। ये देख लो इस वाले में भी रखा है। तो गाइस हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस हमको जितना काम चाहिए था मतलब जितना हमारा होना चाहिए था वो हमारा हो ही गया है ऑलमोस्ट सब चीज़, बस हमको अब फटाफट से हमारा जो ये है इसको स्मेल्ट करना है, हमारे आयरन आई मीन हमारी गोल्ड को, और मेरे को खुद जाके वो लेके आने पड़ेंगे एप्पल। तो मेरे को 2 मिनट देना, मैं फटाफट से नजर इसको मार के, मेरे इसको नेक तो यही है, मेरे को 3 बनाने, तो मैं फटाफट से लेके आता हूँ 2 एप्पल। और तो गाइस फाइनली कई टाइम के मेहनत के बाद मतलब एक दिन तो ऑलमोस्ट मेरा इसी काम में चला गया एप्पल निकालने के चक्कर में, और मेरे नेदरराइट की होके भी हेल्थ ऑलमोस्ट आधी हो गई है, और बहुत सारे बेड की सैपलिंग मिली तो इधर उधर प्लांट कर देता हूँ ताकि ये आगे चल के वुड की कमी ना हो। तो हमारे पास जितना काम था वो हो चुका है, बस अब मेरे को एक टाउन हॉल बनाना है, तो टाउन हॉल का मैं भी जो है बनाऊँगा उसको फटाफट से। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो भी हो सकती है। ओके तो हमारा गोल्ड यहाँ से रेडी है पूरा, और शायद से हमारा आयरन भी, ओके हमारा आयरन भी रेडी है, फटाफट से हम 3 गोल्डन एप्पल बना लेंगे। ओके हमारे 3 गोल्डन एप्पल आ चुके हैं, अभी हमारा जो काम है वो आधा हो चुका है, अब बस हमको कुछ बकरे पकड़ने हैं और उनको काम पे अपना मतलब लगाने हैं, ठीक करना है उनको। यार ये इसको यहाँ डालो और इसको और इसको, बस तुम्हारा इतना काम हो गया, हम फटाफट से चलने वाले हैं जो है टाउन हॉल बनाने के लिए। तो उसके लिए मेरे को कुछ चाहिए आयरन की पिक्स, तो मैं फटाफट से बना के लाता हूँ। ओके गाइस तो हमारा जो ये है जो हमारा गाँव का मतलब हमारा तबेला था छोटा सा, उसको मैंने हटा दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने उसको हटा दिया है, और मेरे पास खाने की भी कमी हो रही थी तो अभी खाने की भी कमी नहीं होगी। मैं फटाफट से काम करता हूँ, अब ये बनाए हैं तो इसका यूज़ भी करें। 2 ठोक रह गया, कोई बात नहीं इसको बाद में लगा देंगे। तो हम फटाफट से चलने वाले हैं अभी हमारे टाउन हॉल की खुदाई करने के लिए, तो मैं फटाफट से पहले एक सर्कल बना लूँ। सर्कल बनाने के लिए मेरे पास डॉट है, हाँ बस डॉट है। अरे यार बार बार क्यों खुल जाता है, गलती से ठीक होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कहीं पर बनाते हैं, तो पहले 1 2 3 फिर 1 2 फिर जो है 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 और अभी शायद से कनेक्ट हो गया 1 2 1 1 2 ओके। तो हमारा एक सर्कल, शायद सर्कल ही है ये, शायद दो की सर्कल है, हाँ सर्कल ही होना चाहिए। तो इसका सेंटर शायद से होने वाला है, और नहीं ये है इसका सर्कल आई मीन सेंटर। तो हम फटाफट से खुदाई करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं ना 10 ब्लॉक्स नीचे लेके जाता हूँ, तो फटाफट से मैं इसको खोद के मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस यार आखिरकार 10 ब्लॉक की जो खुदाई थी वो हो गई है, मेरी 2 आयरन की पिकैक्स और 2 मतलब ये दूसरी आयरन की शवल ही है पूरी ख़त्म होने वाली है, और इतने में हो गया। और ये जो है मेरे सोने का इंतज़ाम था, ऊपर में मैं अपना बेड वहाँ पर लगाया हूँ वो है। अबे मैं एक्स्ट्रा खोद रहा था क्या, वाह सही है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको फटाफट से भर देंगे। और ये अभी टूट गया,
अबे आयरन की शवल है, नेदरराइट की शवल है, तब भी इसी तोड़ूंगा क्या? तो हमारा इतना काम तो डन हो गया, बस अब हमको क्या बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कैसा टाइप का एंट्रेंस बनाऊँ, क्योंकि अब हमारे विलेजर्स भी रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि चार तरफ एक एरिया रहेगा और वहाँ पर अलग अलग मैं से बोर्ड में लिख दूंगा कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये यह है, यहाँ पर वो है, ऐसे करके। ओके, इतना बड़ा हमारा खुदाई हो गया। यहाँ पर मेरा बेड लगा था, जगह नहीं है भाई यार। इतना काम हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका इस जगह की इतनी जगह पे ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ऊपर के एक मैं सर्कल बनाया हूँ इसको हटा के यहाँ पर ना कैसे कांच का घर टाइप बना दूंगा, तो वो अच्छा दिखेगा। तो मेरे को फटाफट से एक सेकंड में मेरे को हटाने में बस इसको लगेगा, बस आयरन की शवल टूट गई ना। वाह, बोलते टूट गई भाई, नेदरराइट की शवल कहाँ है, निकालो। इसको बोलते एफिशिएंसी टू। तो हमारा ये काम भी पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। और अरे यहाँ लग गया है। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट काम हमारा पूरा डन हो चुका है। अब हमें फटाफट से यहाँ पर मैं खुदाई करने का सोच रहा हूँ। मेरे को और आयरन की पिकेक्स चाहिए होगी, क्योंकि मैं नेदरराइट की अपनी पिकेक्स जो है वो ख़त्म नहीं करूँगा। या हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायमंड की एक तो पिकेक्स बना लेते हैं, क्योंकि फिर मैं कौन सी आयरन खुद खुद के लाऊँगा मैं। तो यहाँ से निकालेंगे अपन सात, नहीं यार तीन डायमंड। ओके, तो हमारे तीन डायमंड यहाँ से निकल चुके हैं। फटाफट से एक हम लोग बनाने वाले हैं एक तो पिकेक्स, और यहाँ नहीं रखना था यार, हाँ बस इस जगह पे रखना था। वाह, इसको कहते हैं ज़्यादा समझदार आदमी होते हैं ऐसे। हट यार, ज़बरदस्ती का डायमंड वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, वैसे भी लगेगा ही, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा खोदना है। तो फटाफट से मैं देना छोड़ो, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे करके एक रास्ता आ जाएगा पूरा, जिसमें मतलब यहाँ किनारे किनारे पे मैं ऐसे मतलब यहाँ पर सजाने के लिए लगाऊंगा ब्लॉक्स वॉक्स। तो यहाँ से एक रूम बना दूंगा अंदर में पूरा, और इस तरफ में वैसे रूम बनाऊंगा, सोच रहा हूँ। तो मेरे दो मिनट देना, मैं फटाफट से खोद के आया। और हाँ गाइस, मैं आप लोग को मिलाना चाहूँगा मेरे दोस्त से, जो अभी अभी जस्ट मैं अभी अपना काम कर रहा था, मैंने एनचेंटिंग कर रहा था अपनी वाली पिकैक्स, डायमंड पिकैक्स होता है कि इसमें सिल्टच लग जाए और मेरा जो स्टोन ब्रिक में बनाना है वो आसानी से बन जाए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो जस्ट मैं आप लोग को एक बार यहीं से जाकर दिखा दूँ, ये एग्जैक्ट इस जगह पे जहाँ पर मेरा अभी एरो है, इसी आसपास जगह पे यहीं पर एक छोटा सा बच्चा था, इसको टेम करने के लिए गया, दो हड्डी में टेम हो गया। और आप लोग को पता ही होगा कि विदर स्केलेटन को जब मैंने मारा था तब 10 हड्डी लेके आया था, अभी देख सकते हो 2 है। अब मेरे बहुत सारा खाना खा के बड़ा हो चुका है, अब ये मेरा दोस्त है, यहीं रहेगा मेरे साथ। 2-3 बार गलती से मेरे हाथ भी पड़ गया बेचारे को, मेरे को दुख लगा, तो मैं इसको खाना भी खिला दिया हूँ। तो मैं अभी अपना बाकी काम करके फटाफट आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस यार, सारी खुदाई हो गई, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक रूम बन चुका है। यहाँ से गिरेंगे तो यहाँ तक है पूरा 10, और उसके बाद फिर ऐसे में 5 है, ऐसे में 5 है, आप लोग को पता ही दिख ही रहा होगा। ऐसे ही हमने खोद दिए हैं, मैं सिंपली थोड़ा सा, मेरे पास वुड है तो मैं वुड से काम करना चाहूँगा। थोड़ा सा स्टिक चाहिए मेरे को, हाँ ये 6 ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा 2-3 बस, मैं आज से इतना ही काम करना चाहूँगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा यहाँ हम रखना चाहेंगे लाइब्रेरियन को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइब्रेरियन। अरे एक सेकेंड यार, यहाँ पर ना लाइब्रेरियन लिखने की जगह मैं ना कुछ और सोच रहा हूँ, मेरे को ज़रा 2 मिनट देना, मैं ना आया एक सेकेंड। हाँ तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं लाइब्रेरियन लिखने की जगह में, जैसे कि मेरे को एनचेंटिंग करना है, तो हम लोग एनचेंटिंग लिखेंगे, एनचेंटमेंट मतलब यहाँ पर एनचेंटमेंट होता है, ठीक है। इस तरफ में हमारा वुड वाला मतलब हमारा स्टिक वाला बंदा है, तो स्टिक लिख देंगे, मतलब हमारा फ्लेचर स्टिक। ओके, स्टिक हो गया। अब इस तरफ में मेरे को फूड वाला रखना है, तो मैं फूड रख दूँगा, FOOD फूड। और इस तरफ में अदर में हमारे जितने भी आर्मर और ये सब है वो आ जाएंगे। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है, बाकी का काम जो मैं अगले एपिसोड में करना चाहूँगा, जो हमारा जिसमें बाकी का सजाना वजाना सब काम करेंगे। सजाना नहीं करेंगे, बस मेरे को अगले उसमें मेरे को ठीक करने हैं विलेजर्स को, और यहाँ ला के ब्रीड करके फिर मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, उनको काम देना है। और मेरे को एक काम बस और करना है, मैं फटाफट से बेड लगा दूँ यहाँ पर, एक सेकेंड देना मेरे को। 1000 ईयर लेटर।
ओके गाइस, तो इतने में जितने इस वाले रूम में जो हमारा एन्चेंटेड वाले आई मीन एन्चेंटमेंट वाले रूम थे वो दिखा दूँ आप लोगों को। ये रहा इस वाले रूम में पूरा पूरा मैंने बेड लगा दिए, वैसे ही सब में लगा दूंगा और साथ ही साथ यहाँ पर उनके वर्क स्टेशन भी हो जाएंगे। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। होप्स आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर से क्लिक करिएगा, मुझे बहुत हेल्प में होती है उससे। और अभी जैसे कि मैंने बोला था कि 10वें एपिसोड के बाद मैं नए नए वो डालूँगा वीडियो, वो सब भी आने लगेगी जल्दी जल्दी, वो भी आएगी जल्द से जल्द। आप लोग मैं कमेंट में बताइए कौन कौन सा गेम खेल के मेरे को वीडियो डालना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर देख के सोचूंगा। और ऑर्डर बुक।